गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हो गया है थर्सडे और सुबह के 10:30 बजे हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आज मैंने ना वो वर्मसली बनाई थी, नमकीन सेवई होती है ना, वो बनाई थी। तो काफ़ी टाइम बाद बनाई तो अच्छा लगा। नौमी को भी बहुत पसंद है वो। नौमी ने भी अच्छे से खा लिया था और हम लोगों ने भी अभी ब्रेकफास्ट किया है। कल हम प्लांट लेके आए थे ना जो, तो मम्मी अभी वो प्लांट्स को गमले में लगा रहे हैं। कल मम्मी डी मार्ट से गमले भी ले आए थे तो उसमें लगा रहे हैं। कल मैंने जो अपनी मिरर ठीक करी थी तो सारे कपड़े अच्छे से अरेंज कर दिए थे। जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने जो साड़ी ऑर्गेनाइजर होता है उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि एक पोर्शन मेरा अलमीरा का खाली हो गया ना, तो उसमें मैं हैंग करके रख दूँ सारी साड़ियाँ। तो फटाफट से निकालो ना, मिल भी जाती है, वरना बेड बॉक्स को खींचना पड़ता है और फिर साड़ियाँ निकालनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी सारी साड़ियाँ उसमें हैंग करके रख दूँ और बेड बॉक्स खाली हो जाएगा तो उसमें मैं गर्म कपड़े रख देती हूँ। काफ़ी सारे गर्म कपड़े हो गए हैं तो मैं उसमें रख दूँ। आज बादल लगे हुए हैं, आज फिर से थोड़ी ठंड हो गई है तो आज इसलिए मैंने आज स्वेटर भी पहन ली है। सुबह शाम तो हो ही रही है ठंड, वरना दिन में तो अच्छी खासी धूप आ रही थी तो गर्मी भी हो रही थी, पर आज सुबह से ठंड है। कल तो सुबह बहुत सारा फॉग लगा हुआ था पर उसके बाद अच्छी सी धूप आ गई, पर आज सुबह से बादल लगे हुए हैं और ठंड भी हो रही है तो स्वेटर पहनने की तो ज़रूरत ही पड़ जा रही है। तो बस अभी मुझे एडिटिंग करनी है तो उसके बाद मैं अपनी साड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। तो चलिए फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ उसके। तो मैं आ गई हूँ अभी अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बेड बॉक्स में से मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं यहाँ पे रख उन्हें निकाल के रख लूँगी। मैं ना कुछ साड़ियाँ ही लाई हूँ यहाँ पे, बाकी कुछ साड़ियाँ मेरी ससुराल में हैं और कुछ साड़ियाँ मेरे मायके में हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी फंक्शन होते हैं ना, तो मुझे यहाँ से लेके नहीं जाना पड़ता है। तो सारी साड़ियाँ मैं हैंगर में हैंग कर लूँगी। तो कुछ ही हैंगर थे मेरे पास, तो उन्हें मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर लूँगी और बाकी अगर आगे ज़रूरत पड़े तो मैं बाद में परचेस कर लूँगी। तो एक हैंगर में मैं 2 या 3 साड़ियाँ रख लूँगी। यहाँ पर साड़ियाँ ना यूज़ में तो कभी कभी आ ही जाती हैं, क्योंकि जब सोसाइटी में फंक्शन होते हैं या मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ पे भजन या कुछ पूजा होती है तो मैं मोस्टली साड़ी ही वेयर करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी सारी साड़ियों को अच्छे से हैंगर में हैंग कर लिया है और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं और वार्डरोब भी मेरी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज लग रही है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बालकनी गार्डन में अपने प्लांट्स आप सभी को दिखाने के लिए जो कल हम नर्सरी से लेकर आए थे। तो सबसे पहले हमने गेंदे के 3 प्लांट लिए, उसके बाद ये रेड एंड वाइट रोज लिया, एक ये समी का प्लांट लिया जो भोले बाबा को चढ़ता है। वैसे मम्मी बोलते हैं कि ये जो समी का प्लांट होता है ये हमेशा सैटरडे को लेना चाहिए, पर हम सैटरडे को नहीं जा पाए तो हमने आज ही ले लिया था। उसके बाद हमें हर पूजा में पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है तो हमने ये पान के पत्ते का प्लांट लिया।
जिस दिन हम ये प्लांट लाए थे ना, तो शाम को ही मम्मी डीमार्ट चले गए थे गमले लाने के लिए। तो मम्मी काफ़ी सारे गमले लेके आए वहाँ से, छोटे और बड़े। हमारे पास थोड़ी मिट्टी थी, तो दो तीन गमलों में तो वो मिट्टी को डालकर मम्मी ने उसमें प्लांट भी लगा दिया था, बट बाकी प्लांट्स के लिए मिट्टी नहीं हो पाई। तो अभी वो ऐसे ही हैं। जब हस्बैंड आ जाएंगे ना, तो वो कहीं से मिट्टी लेकर आएंगे, तो तब हम बाकी के प्लांट्स भी लगा लेंगे। तो अभी हम आ गए हैं दूसरी बालकनी में। बहुत अच्छी धूप आ रही थी और अंदर रूम में ना थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो मम्मी बाहर धूप में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में मैं भी लंच बना के आ गई थी धूप में बैठने के लिए। मम्मी पता नहीं यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही थी। मम्मी बात करते करते ना थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे बात भी कर रहे थे और पता नहीं किस बात से थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, तो मैं इनको हंसाने में लगी थी। अभी कुछ दिनों से मम्मी का यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उनके हाथ पैरों में ना बहुत दर्द रहता है, तो वही मुझे दिखा रहे थे। और उनके हाथों में ना स्वेलिंग आई हुई है, थोड़ा सा भी हाथ कहीं लगता है ना, कहीं टच होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। पर फिर भी हमारी मम्मी बहुत स्ट्रांग हैं। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं मम्मी और अपने लिए यहीं पे प्लेट लगा के ले आई थी, तो हमने धूप में बैठ के ही लंच किया। और ऐसे धूप में बैठ के खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम ना पहाड़ का जैसा फील आ रहा था। पहाड़ में भी ना हम ऐसे ही धूप में बैठ के खाना खाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना एक व्लॉग अपलोड पर लगा दिया है, तो वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। और अभी 5 बज गए हैं, तो नौमी को भी मैंने रेडी कर दिया है उसकी क्लास जाने के लिए, और मैं भी वॉक करने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं लंच करने के बाद, नौमी भी स्कूल से आ गया था और लंच करा के फिर थोड़ी देर में उसने होमवर्क भी कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी देर वो खेला, मैं भी ऐसे ही लेट गई थी, आधे घंटे की नैप ली मैंने भी। तो बस अभी नौमी और मैं रेडी हो गए हैं, मैं भी अभी वॉक करने के लिए जाऊंगी, उसके बाद घर आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी रात के 8 बज गए हैं और 6:30 के अराउंड मैं वॉक करके आ गई थी, और 6 बजे के करीब मम्मी नौमी को लेके आ गए थे। फिर मम्मी ने नौमी को दूध दूध दे दिया था। और मैंने ना आज डिनर कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आज बाहर से कुछ खाने का मन था, तो मैंने चिली पनीर ऑर्डर किया है, तो हम मम्मी और मैं वो चिली पनीर खा लेंगे और रोटी बना लूँगी मैं। और नौमी बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, तो नौमी के लिए मैं अभी आलू का पराठा बना दूंगी। तो बस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।